हे गाइस, अभी दिक्कत वो सबसे बड़ी ये है कि मुझे जाना है बाइक राइड पे। बहुत दिनों के बाद बाइक राइड पे जा रही हूँ। बाइक राइड है 170 किलोमीटर है, मतलब जाने का समवेयर अराउंड 80 किलोमीटर और आने का 80 किलोमीटर, 170-180 किलोमीटर की बाइक राइड है। सो मुझे पूछना ये है कि मैं राइडिंग पैंट पहनूँ या फिर नी गार्ड पहनूं। अभी बहुत विचार विमर्श करने के बाद और इनकी पिंकी करने के बाद आपकी दीपा ने ये सोचा है कि वो इस गेटअप में जाएगी। 6:09 प्रॉपर ऑन टाइम निकली हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम डॉक्टर दीपा यर और बाइक राइड आज जा रही हूँ। संडे बाइक राइड एंड टाइम हुआ है 6:30 एंड सब आ चुके हैं सिवाय एक के। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर वन राइडर मिस्टर पीनू। तो वो जैसे ही आते हैं हम लोग निकलते हैं। दिन के बाद बाइक पे आ गई हूँ तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना कि बाइक है, बाइक राइड की बात ही कुछ और है। सो अभी सब हम लोग जा रहे हैं फाउंटेन होटल एज यूजुअल, चाय पॉइंट ऑफ फाउंटेन होटल। आज हम जा रहे हैं वांद्री लेक। सब लोग ने प्लान किया कि चलो एक छोटा सा राइड करके आते हैं, तो हमारे लिए वांद्री लेक इज दी छोटा सा राइड। मस्त वाली राइड करेंगे, मस्त वाली शॉर्ट्स लेंगे। लास्ट व्लॉग्स में अगर ड्रोन शॉर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो आप कमेंट में बताते रहो कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए मेरे व्लॉग में। बट थैंक यू सो मच, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छे से मिल रहा है, कमेंट्स अच्छे से आ रहे हैं, तो लव यू गाइज फॉर दैट। आई ऑलवेज विश ना ये ट्रक वालों को कोई और रास्ता देना चाहिए रे। मेरे वो साइड से अगर मैं आती हूँ घोड़बंदर के लिए तो वो ठाणे वाला रोड इज तो पथेटिक रोड, पथेटिक। मतलब मुझे याद है मैं 3-4 साल पहले टारकरली गई थी ऑन बाइक, तो गलती से वो ठाणे वाला रोड लिया था टू घोड़बंदर साइड। अरे यार, चलाने कोई नहीं जगह, इतने ट्रक्स थे 2 लेन में 3 लेन में। वो हमारे साइक्लिस्ट फ्रेंड है। हाय रवि, हाय। कहाँ रुकू यार, ट्रैफिक है यार। कैसे है? अरे इसको कहते हैं नसीब। गुड मॉर्निंग, फाउंटेन मिलता हूँ। हाँ चलो आ जाओ और संभाल के चलाना। अच्छा लगता है ना अगर फ्रेंड्स राइड पे मिलते अचानक। हाँ और मंगा दो। नहीं ये एक चाय से कुछ होगा भी नहीं वैसे भी। जैसा मैंने आपको बोला लास्ट व्लॉग में भी कि चाय अभी बची नहीं है, वो लोग तीर्थ प्रसाद दे रहे हैं, तो फाउंटेन होटल आना है और तीर्थ प्रसाद पी के जाना है। सो ऑल माय राइडर फ्रेंड्स आर ओवर हियर। बाइक की बात ही कुछ और है। काय बाबा वीडियो काटते, वीडियो अरे सुन ले लगा। नहीं माझी गाडी आहे। नहीं नहीं सुन ले लगा गाडी। नहीं माता गाडी नहीं जाणार लांब पुढं फिरून येणार वांद्री लेक। हां वांद्री लेक विरारला मी फिरायले। हां असं जायचं। हां अशा गाडी, हां अशा गाडीवर इवन आहे बाबा के साथ। अजून पाहिजे तर घ्यायचं आहे। सो अभी हो गया है चाय एंड निकलते हैं डायरेक्ट। आई थिंक ये वांद्री लेक है ना, अभी डायरेक्ट वांद्री लेक।
आगे खानीवाड़े टोल नाका है, उसके वजह से ये ट्रैफिक है। देखो बाइक की ये लेन अगर फ्री रखेंगे ना तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी कार वाले घुसाते हैं इस लेन में भी, दोनों सिर लेन में भी जगह निकाल निकाल के। ये जो ऐसे रोड रहते हैं मिट्टी वाले, ग्रेवल बोलते हैं या मिट्टी है जो भी, उस पर ब्रेक नहीं मारना चाहिए कभी भी, फ्रंट ब्रेक कभी नहीं यूज़ करो, लो गियर पे गाड़ी खींचो। अगर फ्रंट ब्रेक लगाते हो तो भाई स्किट होने के 100% चांसेस है। वो दो राइडर्स आ गए हैं। चलो अभी यहाँ से हाईवे से ब्रिज है और ब्रिज के नीचे से शायद राइट लेना है। आया वाव, आवाज देखो गाड़ियों के। यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर वांद्री लेक है अभी। आई होप लेक के पास कुछ खाने मिले, यार भूख लगी है। टाइम हुआ 8:40 एंड वी रीच्ड हियर। आई कैन कीप माय हैंड ग्लोव्स हियर। बोला यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं तेरे को वांद्री में, पहले बाहर ब्रेकफास्ट कर लो। गांव है ना बाजू में ही है। कुछ नहीं है गांव में, नहीं है गांव में कुछ, गांव में शायद कुछ नहीं। क्या लेक के पास भी कुछ नहीं है? रुकते 10-15 मिनट और चलते हैं उसमें। ज्यादा दूर की तरह कोई वड़ा पाव वाला भी नहीं है, ऐसे कैसे? हाउ कम? तूने सारे खा लिए ना इसलिए। मैंने छुपा के रख के खाए। देखो मेरे को तो मिरर की याद आ रही है, वही है फोन के नीचे छुपा के रखे। दिन ना आए वो क्यों, तुम मिलोगे जब यूं, जाऊं मैं कोना कोना ये जहां, तू है कहां। लेकिन हम लोग ने इंक्वायरी की है कि यहाँ पे कुछ खाने को तो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट जाते हैं लेक का थोड़ा सा मज़ा उठाते हैं। क्या कर रहे हैं? आना नहीं है मेरे को तो, अभी से भूख लगी है, चलो जल्दी। वड़ा पाव के चक्कर में रुका था, तुम लोग किधर दिखाई नहीं में। बोला अभी वड़ा पाव आएगा, अभी वड़ा पाव आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत क्लीन जगह है, मतलब ऐसे लेक भी बचे हुए हैं इंडिया में, महाराष्ट्र में। कैन यू सी ब्यूटीफुल लेक, नो लिटरिंग एट ऑल, और करना भी मत यार। एवरी टाइम यही बोलती हूँ कि लिटरिंग मत करो, अगर हम लिटरिंग नहीं करेंगे तो हमारे देखे और 2 लोग नहीं करेंगे, और 3 लोग लिटरिंग का मतलब है कचरा मत फेंको, जो खाते हो अपने साथ। अगर हाँ, और एक बात, यहाँ पे कुछ खाने को नहीं है लेक के पास, ये गांव है एंड दूर दूर तक यू विल नॉट गोइंग टू हैव इवन वाटर, पानी भी नहीं मिलता है, तो अपने साथ पानी लेके आना ज़रूर और कुछ खाने के लिए लेके आना। एंड फॉर किड्स इट इज़ अ सेफ प्लेस, सो डोंट वरी, सो आप अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हो। मैक्सिमम बाइकर्स यहाँ पे आते हैं एंड दैट एंड दिस इट्स ब्यूटीफुल। शूट्स हो चुके हैं एंड अभी बस थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे एंड फिर निकलेंगे, क्योंकि सबको लगी है जोर की भूख। 1 किलोमीटर अंदर ऑफ रोडिंग करके आया अभी हितेश, भूख कितनी लगी है
बहुत सारे अभी पार्टी देने वाले वड़ा पाव पार्टी वड़ा पाव पार्टी जो एक वड़ा पाव में थक जाती है वो आज चार वड़ा पाव खाएगी दो दो नहीं नहीं वो इसका है दो वड़ा पाव बोला है ऑलरेडी सबका दो दो वड़ा पाव बोला है और चाय बोली है टोटल कितने बोले 20 दस हम लोग हाँ दस जन है हाँ बच्चा एक्चुअली इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है यार चेंज कर दो टाइम कितना हुआ है 10:45 यस सो नाउ 10:45 एंड वी आर ऑल गेटिंग अप टू लीव फ्रॉम हियर एंड अभी सीधा मैं तो भागूंगी क्लिनिक बिकॉज मैंने मेरे असिस्टेंट को बोल के क्लिनिक में पेशेंट रुका के रखे हैं भूसा मिलते हैं ऑन द बाइक इधर ही रहें लो ये इसका नाम है ना कुछ लेक का ये खाने का क्या है चौपाटी ये है घोड़ बंदर चौपाटी मैं कहाँ चढ़ गई चौपाटी देख करने के लिए यहाँ दही यहाँ 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 पेशेंट्स को रुका के रखा है फटाफट एक ग्लास बना अरे इन लोगों का ग्लास भी छोटा हो गया इसमें गन्ना जूस देंगे हाँ अच्छा देना पहले चाय इतना फिर इतना अभी गन्ने का जूस भी इतना हो गया ये सब बर्फ वाला है उधर से वो सब को दे उसको बिना बर्फ का ही चाहिए यार और एक ग्लास देना मुझे बेटा इससे छोटा ग्लास नहीं है सो गाइज ये थी छोटी सी राइड टू वांदरी लेक अपने यहाँ से कुछ 75-80 किलोमीटर है फ्रॉम पवई तो 170-180 के किलोमीटर की आज की राइड हो गई अभी टाइम हुआ है 11:30 मेरे पेशेंट्स ऑलरेडी बैठे हैं क्लिनिक में असिस्टेंट का जस्ट फोन आके गया सो नाउ आई एम गोइंग टूअर्ड्स माई क्लिनिक डायरेक्ट ऐसे ही क्लिनिक जाऊँगी आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा ब्लॉग अच्छा लगा हो मुझे करनी थी बाइक राइड तो प्लान किया कि छोटी सी राइड करूं आज शाम का प्लान है शॉपिंग जाना है टू क्लिनिक हियर आई कम्स रुको मेरे पेशेंट आ रही हूँ मैं थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी स्टे फिट स्टे हेल्दी प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इंस्टा पे भी फॉलो करो रहते हैं इंस्टा पे एक्टिव ज़्यादा रहती हूँ सो माई इंस्टा हैंडल आपको पता है फिर भी आप लोगों के लिए ये रहा सामने स्क्रीन पे लव यू गाइज बाय बाय टेक केयर